welcome once again to this online platform Sushma Singh Academy. How are you all? I hope you all are good. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 10, जो आपके टीजीटी पीजीटी इंग्लिश एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. सो लेट्स बिगिन द क्लास. क्वेश्चन नंबर 1 इज, इन 1601 अ कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट वॉज प्रिंटेड बाय. 1601 में शेक्सपियर्स के सोनेट का कलेक्शन किसके द्वारा प्रिंट किया गया था? डार्क लेडी ऑफ सोनेट्स के द्वारा, मिस्टर WH के द्वारा, थॉमस थोर्प के द्वारा या जॉर्ज पील के द्वारा? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा थॉमस थोर्प के द्वारा. थॉमस थोर्प प्रिंटेड अ कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर्स सोनेट इन 1609. विलियम शेक्सपियर हैज़ रिटन 154 सोनेट्स एंड 37 प्लेज इन हिज एंटायर करियर. अकॉर्डिंग टू मैकबेथ, द चीफ नॉरिशर इन लाइफ फिस्ट इज. रिच डाइट, स्लीप, लव या सोलेस ऑफर बाय फ्रेंड? इसका राइट आंसर होगा स्लीप. फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू मैकबेथ, द चीफ नॉरिशर इन लाइफ फिस्ट इज स्लीप एंड दिस अपियर इन एक्ट सेकेंड सीन थर्ड. विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशियन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड. ये किसके द्वारा कहा गया? लेडी मैकबेथ के द्वारा इन हर स्लीप वॉकिंग, मैकबेथ आफ्टर मडिंग डंकन, या बैंक्यूज गोस्ट एट द बैंकेट, या मैकडफ वाइफ मदर? इसका राइट आंसर क्या होगा? विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशियन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड. ये स्टेटमेंट कहा जाता है मैकबेथ आफ्टर मडिंग डंकन. ब्लड एंड इट अपियर्स इन एक्ट सेकेंड सीन थर्ड. क्वेश्चन नंबर 4 इज, विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन. विलियम शेक्सपियर की डेथ हुई थी अप्रैल 20, 1616 को, अप्रैल 28, 1616 को, अप्रैल 23, 1616 को या अप्रैल 25, 1616 को? इसका राइट आंसर क्या होगा? विलियम शेक्सपियर की डेथ अप्रैल 23, 1616 को, और इनका बोर्न हुआ था 23 अप्रैल 1564 को. इनके पेरेंट्स जून एंड मैरी अर्डोन शेक्सपियर थे और इनको ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट एंड इंग्लैंड का नेशनल पोइट के रूप में जाना जाता है. विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो, फर्स्ट कलेक्शन एडिशन माना जाता है प्लेस का, जो पब्लिश हुआ था 1623 में इनकी डेथ के 7 ईयर्स बाद. शेक्सपियर ने अराउंड 37 प्लेज लिखे हैं, जिनमें से 36 कंटेन होते हैं इनके फर्स्ट फोलियो में. एंड मोस्ट ऑफ दीज प्लेज वर परफॉर्म्ड इन द ग्लोब थिएटर एंड ओपन एयर प्ले हाउस इन लंदन, बिल्ट ऑन द साउथ बैंक ऑफ द थेमस इन 1599. विलियम शेक्सपियर को इंग्लैंड का नेशनल पोइट एंड बार्ड ऑफ एवन के नेम से भी जाना जाता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हिज एक्सटेंट वर्क्स इंक्लूड कोलेब्रेशंस कंसिस्ट ऑफ सम 39 प्लेज, 154 सोनेट्स, जिसमें 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स हैं एंड अ फ्यू अदर वर्सेस सम ऑफ द अनसर्टेन ऑथरशिप. टेम्पेस्ट इज अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर रिटन इन 1610 एंड 1611. टेम्पेस्ट इज लिस्टेड इन द फर्स्ट फोलियो एज द फर्स्ट ऑफ शेक्सपियर्स कॉमेडी. क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट वॉज द नेम ऑफ द हाउस ऑफ शेक्सपियर्स इन स्ट्रैटफोर्ड. शेक्सपियर का जो स्ट्रैटफोर्ड में हाउस था उसका नेम क्या था? न्यू प्लेस, स्ट्रैटफोर्ड हाउस, ग्रैंड पैलेस या हाई प्लेस? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा न्यू प्लेस. विलियम शेक्सपियर का हाउस जो स्ट्रैटफोर्ड में था उसका नेम था न्यू प्लेस. क्वेश्चन नंबर 6 इज, द एस्केप डेपिक्स द पिटेबल कंडीशन ऑफ. एस्केप डेपिक्स करता है पिटेबल कंडीशन किसकी? द पुअर लेबरर्स हु वर्क इन द फैक्ट्रीज, द पर्सन्स हु कम आउट फ्रॉम द जेल आफ्टर कंप्लीटिंग देयर टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, द मिजरेबल लाइफ ऑफ वुमेन इन देयर होम्स, या द कन्विक्ट्स हु एस्केप फ्रॉम द जेल्स? इसका राइट आंसर होगा द पर्सन हु कम आउट फ्रॉम द जेल आफ्टर कंप्लीटिंग देयर टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट.
स्किन गेम ब्रिंग आउट करता है कॉन्फ्लिक्ट किन के बीच में, इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज, लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द ब्यूरोक्रेट्स, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट। जॉन गोल्ड्सवर्दी का स्किन गेम कॉन्फ्लिक्ट बताता है लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में। लॉयल्टीज एक्सपोजेस क्लैश ऑफ लॉयल्टीज टूवर्ड्स, लॉयल्टीज एक्सपोजेस करती है क्लैश ऑफ लॉयल्टीज टूवर्ड्स डिफरेंट सोशल क्लासेस, रीजनल एफिलेशंस, डिफरेंट बेनिफैक्टर्स हु आर अपोज टू ईच अदर, डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 9 इज द प्ले जस्टिस इज अ सैटायर ऑन विच द फॉलोइंग। प्ले जस्टिस किसके ऊपर व्यंग्य करता है? द सिस्टम ऑफ पेइंग वेजेस, द सिस्टम ऑफ लीगल ट्रायल, द सिस्टम ऑफ इम्प्रिजनमेंट या द सिस्टम ऑफ सोशल डिस्पैरिटी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा द सिस्टम ऑफ लीगल ट्रायल। फ्रेंड, प्ले जस्टिस व्यंग्य करता है द सिस्टम ऑफ लीगल ट्रायल पर। फ्रेंड्स, गोल्डवर्दी के द्वारा लिखा गया जोसलिन क्या था? अ स्टोरी, अ पोएम, अ प्ले या अ नोवल। इसका राइट आंसर क्या होगा? गोल्डवर्दी के द्वारा लिखा गया जोसलिन एक नोवल है। क्वेश्चन नंबर 11 इज गोल्डवर्दी राइट्स डार्क फ्लावर वॉज अ, गोल्डवर्दी के द्वारा लिखा गया डार्क फ्लावर एक था, अ प्ले, अ शॉर्ट स्टोरी, अ पोयम या अ स्टोरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अ स्टोरी। द डार्क फ्लावर 1913 बाय जॉन गोल्ड्सवर्दी इज द स्टोरी ऑफ वन मैंस लव अफेयर एंड इट इज अ लव नोवल। गोल्ड्सवर्दी राइट्स द पैट्रिशियन वॉज अ, गोल्ड्सवर्दी के द्वारा राइट किया गया पैट्रिशियन आता है किसमें? अ कैरेक्टर स्केच, अ नोवल, अ प्ले या अ स्टोरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज अ प्ले। गोल्ड्सवर्दी के द्वारा राइट किया गया पैट्रिशियन एक प्ले है। ऑन द मॉडल्स ऑफ हुज प्रॉब्लम प्लेज डिड जॉन गोल्ड्सवर्दी राइट हिज प्लेज, किसके प्रॉब्लम प्ले के मॉडल पर जॉन गोल्ड्सवर्दी ने अपने प्लेज राइट किए हैं? हेनरी किप्सेन, आर्थर पिनेरो, हेनरी आर्थर जोन्स या नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है हेनरिक इब्सेन। जॉन गोल्ड्सवर्दी ने हेनरिक इब्सेन की प्रॉब्लम प्ले के मॉडल्स पर अपनी प्ले मोस्टली राइट किए हैं। गोल्ड्सवर्दी राइट्स फ्रॉम द फोर विंड्स वॉज अ, गोल्ड्सवर्दी के द्वारा राइट किया गया फ्रॉम द फोर विंड्स एक था, अ कलेक्शन ऑफ हिज वर्सेज, अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर स्केचेस, अ कलेक्शन ऑफ हिज स्टोरीज या अ ड्रामेटिक। राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, गोल्ड्सवर्दी के द्वारा राइट किया गया फ्रॉम द फोर विंड्स एक कलेक्शन था उनकी स्टोरीज का। सो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल्ड्सवर्दी राइट्स द व्हाइट मंकी वॉज अ, गोल्ड्सवर्दी के द्वारा राइट किया गया व्हाइट मंकी क्या था? अ शॉर्ट स्टोरी, अ पोयम, अ नोवल या अ प्ले। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है अ नोवल। गोल्ड्सवर्दी के द्वारा राइट किया गया व्हाइट मंकी एक नोवल था।